मुद्दा आपका, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस मुद्दे की जो मुद्दा सियासत के गलियारों में गूंज नहीं रहा, वो मुद्दा जो न्याय को लेकर सवाल खड़े कर गया, वो मुद्दा जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बना, वो मुद्दा जो मीडिया चैनलों पर छाया नहीं, वो मुद्दा कल तक सवालों के कटघरे में था, वो मुद्दा आज गुलाबी रंग की अखबारों के बीच में गुम हो गया। उन हेडलाइंस में नहीं दिखाई दिया जिस मुद्दे को जनता को जानने का अधिकार था। मैं उस मुद्दे को आपके बीच में लेकर आया क्योंकि वो मुद्दा आपका है। वो मुद्दा लखीमपुर कांड का है, वो लखीमपुर कांड जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। 3 अक्टूबर का वो दिन आपको भी याद होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उस विषय पर ऐसा हुआ क्या जिसको लेकर आज चर्चा की बात हो रही है। कौन न्यूज चैनल इस विषय को उठा रहा है, कौन नहीं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं उस विषय को आपके बीच में इसलिए लेकर आया, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके लिए यह खबर इसलिए लेकर आया क्योंकि एसआईटी के आईओ ने कोर्ट के भीतर यह कहा कि इस पूरे मामले में साजिश रची गई, साजिश का जिक्र किया जा रहा है। अब आप खुद ही तय करिए कि यह बड़ी खबर है या फिर नहीं, वो भी तब जब इस पूरे प्रकरण को लेकर खुद गृह राज्य मंत्री के बेटे सवालों के कटघरे में, खुद गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगे और ऐसी स्थिति में कोर्ट के भीतर यह जिक्र करना कि इस पूरे मामले में साजिश रची गई और वो भी जांच के आयोग यह बात को बोले और फिर भी अखबारों से वो खबर गुम हो गई। कुछ एक आध खबरें अखबारों में छपी, छोटे से कॉलम, न्यूज चैनल की हेडलाइंस तो आप भूल जाइए। अब ऐसी स्थिति में सवाल यही कि क्या लखीमपुर कांड का सच सामने आ गया, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि किसानों की तरफ से गाड़ी पर अटैक किया गया, जिसके बाद हबड़ा दबड़ी में गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई और किसानों को कुचल दिया। फिर दावा किया गया गृह राज्य मंत्री की तरफ से कि अगर मेरे बेटे ने यह कारनामा किया, कोई सबूत हुए, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे और अब एसआईटी के आईओ ने खुद यह संकेत दिए कि इस पूरे मामले में साजिश रची गई, अब ऐसे में सवालों के कटघरे में एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, और वो भी तब जब वो दावा कर रहे थे कि उनका बेटा इस साजिश में या फिर इस पूरे के पूरे मामले में शामिल ही नहीं था। वैसे तो इस पूरे मामले की एक अपनी एक थ्योरी भी है। जब से इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच का जिक्र किया गया, तब से ही सवाल खड़े हो रहे थे और बकायदा कोर्ट ने यह तक कहा कि हमें आपकी जांच पर यकीन नहीं है। यूपी पुलिस को जो न्यायिक आयोग गठित हुआ उसे भी सिरे से खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक आयोग का गठन किया। अब ऐसे में सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण में क्या यह साफ हो गया कि इस पूरे मामले में साजिश रची गई, क्योंकि जो सबूत का जिक्र किया जा रहा है, जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है, जिन वीडियोस का जिक्र किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री पुत्र घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मंत्री पुत्र घिरता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने दावा किया था कि वो उस वक्त वारदात वाली जगह पर था ही नहीं। ऐसे में सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे भूदेव शर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं,
उदय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इस वक्त आकाश जुड़ेंगे जो कि आकाश पंडित किसान नेता हैं। आशिफ अली हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन मसला सीधे तौर पर यही कि क्या वाकई इस पूरे मामले को लेकर अगर सच सामने आया तो मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार है नैतिकता के तकाजे में। वैसे सियासत में नैतिकता भूल जाइए जनाब। और ऐसी स्थिति में सवाल जो खड़े हो रहे हैं उन जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आकाश पंडित, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने देखी वो रिपोर्ट लखीमपुर कांड को लेकर जो आईओ ने कही है कोर्ट के भीतर? इस मामले की शुरुआत से मेरी दरख्वास्त है आकाश, आप प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए उसको और फिर अपनी बात रखिए। प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मौका मिला हो तो मैंने जो बात आज आप जिस चीज पर डिबेट करने के लिए हम लोग सब चर्चा करने के लिए हम लोग आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने केवल दो बिंदु इस पूरे प्रकरण के, चूंकि ये तो जो बात आज आई है मैंने शुरुआती दौर में केवल दो बात कहे थे। प्रथम बात ये थी कि अजय मिश्रा टैनी जी को स्वयं नैतिकता के आधार में इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि वो शुरुआत में एक शब्द को बहुत तेज तेज चिल्ला करके कह रहे थे कि अगर मेरा बच्चा या मेरा परिवार का कोई भी सदस्य इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व होगा तो मैं पूर्णतया तत्काल प्रभाव से राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो पूरा भारतीय किसान यूनियन परिवार शुरुआत से, अब व्यक्तिगत मैंने भी यही कहा। आप इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी आशंका देश के लोगों को है, तो उस आशंका को क्यों आप आशंका में व्यक्त होने दे रहे हैं? और जो आशंका मेरे द्वारा की गई थी वही आशंका सब आप लोगों के सामने आ रही है। दूसरी बात, उस मामले में अजय मिश्रा जी का लड़का, कई वीडियो जो लोगों के सामने आई जिस वीडियो में ऐसा पता चलता है कि उनके लड़के वहां मौके में उपलब्ध थे, और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि इस पूरे मामले में हमारे परिवार के जिन सदस्यों में, इन लोगों ने तो ऐसी स्थिति लाकर के खड़ी कर दी थी, इस देश में किसी को अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा तो आपके द्वारा सीधे उसको दमनकारी नीति को अपनाते हुए आपको सीधे उसको इस दुनिया से ही अलग कर दिया जाएगा। मतलब जो अंग्रेज जो प्रथा लाए थे वही प्रथा इन लोगों ने लागू कर दी। और नहीं, अब आपको उम्मीद है कि अगर आपको उम्मीद होती न्याय की तो मैं उस दिन जिस दिन प्रथम दिन जिस दिन लखीमपुर कांड हुआ था आपने ही कम से कम 10 न्यूज चैनल की डिबेट में रहा और 10 जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता भाजपा के मेरे साथ डिबेट में रहते थे और मैंने कहा था कि मंच के माध्यम से मैं देश के गृह राज्य मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आज ये नैतिकता के आधार में अपना इस्तीफा दे दें, अगर ये इस्तीफे के बाद निर्दोष पाए जाते हैं तो इनको गृह राज्य मंत्री न बना करके देश का प्रधानमंत्री आप बना दीजिएगा, लेकिन ये 100% दोषी है और ये जांच को 100% प्रभावित करेंगे क्योंकि देश में नहीं, अगर जांच को प्रभावित कर रहे होते, आकाश मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर जांच को प्रभावित करे तो एसआईटी आई थोड़ी ना कहती, एसआईटी का आईओ थोड़ी ना कहती, इसलिए जांच को प्रभावित हाँ ही साजिश है, जांच को 100% प्रभावित करते क्योंकि न्यायालय के संज्ञान में प्रकरण था, न्यायालय लगातार इस मामले को बारीकी को लगातार देख रहा था, इसलिए वो चाह कर भी जांच को प्रभावित नहीं कर पाए। बिल्कुल ओके भूदेव, भूदेव जी आपको लगता है कि सच सामने आ गया? वाकई ये सोची सबकी साजिश थी? आप लोगों के हाथ में तो एक बड़ा हथियार आ गया इस वक्त, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। आपको लगता है कि मंत्री अब पद से इस्तीफा देंगे या कान पकड़ कर देश के प्रधानमंत्री कहेंगे थैंक यू जाइए? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
तिलक जी एक कहावत है कि सत्य कभी छुपता नहीं है और झूठ को आप बार बार बोल करके सत्य साबित नहीं कर सकते। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था उसके बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, प्रवक्ता थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर अजय मिश्र उर्फ टोनी का अगर पुत्र अगर उसमें सम्मिलित है, अगर वहां पर है, तो वो इस्तीफा देंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीजें हुई बिना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लिए हुए, बिना आज उत्तर प्रदेश में तो कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। तो ये जो सत्य है वो एक न एक दिन सामने आना था। किसानों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा इसकी जो मांग उठाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सीरियसली लिया, और जो एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार गठित कर रही थी उस सुप्रीम कोर्ट को तो उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी पर भी विश्वास नहीं था, तो उसके अलग एसआईटी गठित की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक ऐसा तानाशाही शासन चल रहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ कोई भी बोलने का काम करता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार को अजय मिश्र टोनी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा पेश की गई है, जिसमें इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई है, जिसमें 307, 120 बी, 34, 327 इस प्रकार की धाराएं हैं, तो आप देखिए कि ये देश के लिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति किसी को अपनी गाड़ी से कुचल देता है और उसके जो पिताजी है वो आज भी देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो विपक्ष का काम है इस देश के लोगों की, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, ये किसान है हमारे देश के, अगर एक गरीब व्यक्ति की भी मांग है तो उसको विपक्ष पूर्ण रूप से उठाएगा, वरना इस लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। जहां के कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो मंत्री या संतरी या कोई बड़े पैसे वाला हो या अधिकारी का लड़का या वो किसी गरीब को मार, आप ये कह रहे हैं कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। एक सेकेंड, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था। इस पूरे विषय को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर संदीप द्विवेदी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी संदीप द्विवेदी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। संदीप द्विवेदी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जी संदीप जी, वो खबर देखी आपने लखीमपुर कांड को लेकर, जहां आईओ कह रहे हैं कि ये साजिश थी? तो उस खबर में देखिए, कहीं ना कहीं जो कोर्ट कह रहा है वो अपनी जगह, और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसानों के बेस में कुछ अपराधी घुसे थे और जो जानबूझ के कहीं ना कहीं किसानों को और सरकार को दोनों को बदनाम करना चाहते थे, और ये उनकी सुनियोजित साजिश थी, और उसका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये साजिश जो थी? नहीं, एक सेकंड प्लीज आकाश पंडित जी, एक सेकंड। किसानों को बदनाम, अलग मसला हो जाएगा, लेकिन आप ये कह रहे संदीप द्विवेदी कि किसानों के भेज में जो थे ये अपराधी घुस गए थे, आपको ये लग रहा है? देखिए, अपराधी थे या नहीं थे डिसाइड करना कोर्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है, कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी किसानों के बीच में थे और इन किसानों को और कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन को बदनाम करने के लिए पूरी एक साजिश थी, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मंदसौर में भी यही हुआ था, मध्य प्रदेश में भी दलितों के बीच में घुस के यही किया गया, जाटों के बीच में भी घुस के यही किया गया था, और कुछ राजनीतिक दल जिनकी राजनीतिक रोटियां सेक नहीं पा रहे हैं वो आजकल यही कर रहे हैं। अच्छा, मैं पढ़ देता हूं संदीप द्विवेदी जी, मैं पढ़ देता हूं आयोग की तरफ से कोर्ट में कहा क्या गया। आयोग की तरफ से जो कोर्ट में कहा गया मैं वैसे ही पढ़ देता हूं, कोर्ट की कोर्ट, जांच से साफ हुआ लापरवाही गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है। आयोग ये कहते कोर्ट के भीतर, ये सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग करने का मामला है, इसलिए केस को बदलते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग का मामला दर्ज होना चाहिए। संदीप जी आप बोलिए।
उसमें लगता है कोर्ट को कि इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है और वो ड्राइवर के को लेकर जो भी धाराएं होंगी उन धाराओं में ड्राइवर का केस चलेगा। देखिए ये वो सरकार नहीं है जो बलात्कारियों को और अपराधियों को अपने घरों में छिपाए, ये वो सरकार है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या ना जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अपराधी तो वो सरकार के दृष्टिकोण से देखती है। आरोपी भी पिता हो जिनका तहरीर में भी नाम हो वो आपके साथ मन साझा करे, वो देश के गृह राज्य मंत्री बने। देखिए राज्य मंत्री अगर वो बने हैं तो अपनी काबिलियत पे बने हैं, किसी के खैरात पे नहीं बने हैं, ठीक है, जनता के समर्थन से बने हैं, जनता के सहयोग से बने हैं, जनता की सेवा से बने हैं। यही काबिलियत आप ये कहेंगे कहने या न कहने से क्या वो हट जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ पार्टी को अगर लगेगा कि कहीं ना कहीं उनको हटाना है तो पार्टी उन्हें नया, लेकिन ये वो पार्टी नहीं है। आपको नहीं लगता कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? कौन कह रहा है, कौन सलाह दे रहा है, पहले वो अपनी पार्टी में देख लें उन्होंने कितने इस्तीफे दिलवा दिए मानवीयता के आधार पे। ये वो लोग हैं जो खुद अपराधियों को सराखों पर रखते हैं, गुंडों को पालते हैं, गुंडों के सारों पे नाचते हैं, वो आज हमें नसीहत ना दें, वो अपने पार्टी के अंदर उनकी क्या कारगुजारियां हैं उन्हें देखें। और शत प्रतिशत में दावा अच्छा, कह सकता हूँ कहीं ना कहीं ग्राउंड पे सेवा की है। संदीप जी आपको लगता है पूरे मामले को लेकर सच सामने आ रहा है? नहीं देखिए सच सामने आने में भी बहुत समय है, साजिश होना और साजिश में शामिल होना दोनों में बहुत अंतर है। नवजोत सिंह सिद्धू भी एक बार केस में आरोपी साबित कर दिए जाते हैं, दूसरी बार बरी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जब तक कोर्ट निर्णय नहीं दे देता है किसी भी निर्णय पर पहुंच जाना बहुत जल्दबाजी होगी, और ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोर्ट के निर्णय का। मैं तो निर्णय तक नहीं पहुंच रहा, मैं तो वही पढ़ रहा हूं जो कोर्ट में आईओ ने कहा। आईओ ने आगे बता देता हूं क्या कहा, आप कितनी अच्छी पैरवी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कोर्ट में भी ऐसी पैरवी करें। संदीप जी मैं पढ़ देता हूं, आयु ने आगे कहा एक्सीडेंटल केस की धाराओं को हटाया जा रहा है, मतलब हटाने की बात हो रही है, 307 हत्या की कोशिश, 326, 148, 149 सबकी रिमांड मांगी गई। आप जरा उसका भी बता दीजिए, आप जरा उसका भी बता दीजिए जिन लोगों ने ड्राइवर को पीट पीट के मार दिया उनके बारे में कोर्ट के क्या शब्द है। देखिए आईओ ने क्या कहा इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, जब तक कोर्ट साक्ष्यों को देख के निर्णय नहीं दे देता हमें लगता है कि किसी भी तरह के हम बयानबाजी करें। अच्छा, तो आईओ बोल रहा है वो भी सत्य नहीं है, क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं आईओ ने सत्य बोला इस बात की क्या गारंटी, तो आईओ भी सत्य नहीं बोल रहा। देखिए आईओ के अपने ऑब्जर्वेशन होते हैं और कहीं ना कहीं संवैधानिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जजों के अपने ऑब्जर्वेशन होते हैं, और किसी भी निर्णय पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी अभी सब चीजों पर कहना। बाकी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अजय मिश्रा जी आज भी जनता के बीच में है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, जनता की सेवा कर रहे हैं। हेलो संदीप द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों दे देना चाहिए, जो नसीहत दे रहे हैं कि अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी पार्टी में कितने नेताओं ने इस्तीफे दे दिए। अजय मिश्रा ने 100% अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, ना उन्होंने किसी तरीके से पॉलिटिकल चरित्र का यूज किया, ना किसी तरीके से सरकार का यूज किया। लेकिन मंत्री जी ने कहा था कि सबूत मिल जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो ये सबूत है क्या? नहीं किसी एक व्यक्ति की रिपोर्ट लगा देना सबूत हो गया? हाँ मैं मानता हूँ कि अगर जज निर्णय देता है तो नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। ओके आपके पास सबूत है तो आप ही दीजिए ना सर, कोर्ट में कौन रोक रहा है आपको? नहीं देखिए हम भी अपने सबूत कोर्ट में सबूत रख रहे हैं जहाँ निष्पक्ष है, जहाँ हमारा कार्यकर्ता निष्पक्ष है। ओके आसिफ अली जी सुना आपने, आसिफ अली जी सुना आपने, संदीप द्विवेदी कह रहे हैं कि भाई नैतिकता के आधार पर क्यों इस्तीफा देंगे मंत्री जी, बताइए जरा। तब्दील कर दी, 326 लग गई, कानून अपना काम कर रहा है, इन्हें नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपके मंत्री देते थे क्या इस्तीफा? आपके मंत्री देते थे क्या इस्तीफा?
जी बिल्कुल दे देते, कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए तो काम कोर्ट अपना काम करेगा ना। तो ये राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आपके कितने मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कितने इस्तीफे दिए बताइए ना। हमारे आपके मंत्री ने कितने इस्तीफे दिए बताइए ना। संदीप द्विवेदी जवाब दीजिए, फिर बुदे शर्मा और अखिलेश जी आपके पास आ रहे आकांश पंडित, संदीप द्विवेदी कह रहे हैं कि किसानों के भेष में गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे और यह साबित हो रहा है इस जांच रिपोर्ट में, और आप कह रहे हैं कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बोलिए क्या कहेंगे आकांश पंडित। देखिए तिलक जी, पहली चीज तो ये कि मैं आपको करेक्ट करवा दूं कि मैंने ये कहा किसानों के बीच में गुंडे थे, ये भेष में गुंडे होने का ये अपना एक शब्द आप जबरदस्ती मत जोड़िए, ठीक है। दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा कि किसानों के बीच में घुस के गुंडागर्दी करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत पहले से करते रहे हैं। इसका ओके, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने गलत प्रस्तुत किया तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ओके आकांश पंडित जी, बताता हूँ। जिस दिन से लखीमपुर का कांड हुआ, लोगों के पास जिस व्यक्ति से हमारे कार्यकर्ता के मौके पर, उन लोगों ने भी शुरू से लेकर के आज तक हमेशा से इन लोगों को बताया, वीडियो दिए, साक्ष्य दिए। राष्ट्रीय हमारे किसान नेता आदरणीय राष्ट्रीय जी मौके पर पहुंचे, प्रशासन तो उस समय FIR भी नहीं लिख रहा था। अब आप इतनी बातें हो गई, मैं किसी दल विशेष पर बात नहीं करना चाहता, हमारी लड़ाई कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, हमारी लड़ाई हमेशा से भारत सरकार से थी, हमारी लड़ाई उन हत्यारों से थी जिन्होंने लखीमपुर कांड में किसानों की हत्या कर देने का कार्य किया है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, प्रशासन तो तब तक मुकदमा भी नहीं लिख रहा था, प्रशासन तो मुआवजे की बात भी नहीं कर रहा था, सरकार के लोग इस पर किसी प्रकार से कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन परिवार ने आंदोलन के दौरान इस बात को भी, जब किसान साथियों ने उस आंदोलन की कड़ी पर ही हमारे किसान साथियों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा देने का कार्य किया गया, तो जब किसी आंदोलन की धीरी को जब तेज किया गया, पूरे भारत के किसान नेता, चाहे वो पंजाब के रहे हो, चाहे वो हरियाणा के रहे हो, चाहे हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी रहे हो, जब पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे दिल्ली से लगातार जब लखीमपुर पूंछ करने लगे, तब तो जाकर के ये मुकदमा लिखा गया। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, समझौता तो राकेश टिकैत ने करवाया ना? आप ये समझौता तो नहीं था, वो समझौता, मैं कह रहा हूँ वो समझौता नहीं था, वो
सरकार के द्वारा जो पीड़ित परिवार के लोग थे या पीड़ित परिवार के लोगों के साथ क्या सरकार ने पूर्व में ऐसी कोई बात कर दी थी क्या, उसको या समझौते का नाम दे दे या किसी प्रकार का कोई नाम दे दे, मेरी बात आप एक मिनट पूरी हो जाने से पहले। बुधे शर्मा नहीं नहीं एक सेकंड बुधे शर्मा अपनी बात रखिए फिर आ रहा हूँ पंडित जी आपके पास, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं करवाते तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो लोग हैं उसको भी सिख और हिंदुओं के दंगे में परिवर्तित कर देते, ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए अगर राकेश टिकैत जी अगर वहां नहीं होते तो ये शांतिपूर्ण रूप से जो हुआ वो कभी नहीं हो पाता। धन्यवाद। मैं अपनी बात पूरी कर रहा था तिलक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बस मेरी बात को संदीप जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हम लोगों की बातों में अपना जवाब दे रहे हैं, तो मेरा प्रश्न सीधे उनसे एक ये है कि क्या अगर देश का गृह राज्य मंत्री, यदि वो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री ना होते और 120 बी का यदि कोई दूसरा मुलजिम होता तो क्या उसको भी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कराया जाता किसी मामले में या ना करा जाता? मेरा सीधा एक प्रश्न है, क्या 120 बी के मुलजिम के साथ क्या होना चाहिए था? मेरा आपसे प्रश्न है, मुझको इसका उत्तर दे दिया जाए। काश पंडित जी मुझे पता चला कि संदीप त्रिवेदी इस चर्चा को छोड़ के जा चुके हैं इस वक्त, और इस चर्चा पर उनका यह रिएक्शन था कि सीधे तौर पर सवाल जो पूछे जा रहे थे वो उनको पसंद नहीं आ रहे थे। आकाश पंडित जी अपने यहाँ से हम लोगों के लगता प्रश्न इतने तीखे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ही छोड़ करके वहां से चले गए हमारा मंच। तो मैं आपसे फिर से एक बार यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सामंतवादी नीतियों में जैसे ये होता था कि जो क्षमतापूर्ण लोग होते थे उनके लिए एक अलग व्यवस्था होती थी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था होती थी, ये बार बार भूल जाते हैं कि ये देश अब संविधान पे चलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जो देश के हर एक बच्चे बूढ़े परिवार और महिलाओं और दलितों शोषितों वंचितों किसानों सबके लिए जो एक उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो कार्य किया था उस वो वाला समाज बन गया है। ये आज भी उसी सामंतवादी नीति पर जीने वाले लोग हैं जिनके तरीके जो ये आखिरी तब देखिए अभी आज उनकी उनकी भाषा शैली आपने सुनी, उनकी भाषा शैली ये थी कि कौन कहता है उनका मैं पद हटा, अरे ये गांधी का देश है, इस गांधी के देश में लोग नैतिकता की बात करने वाले लोग हैं, यहाँ गुंडे माफियों की तरह थोड़ी बात करना है, यहाँ नैतिकता की दुहाई दे करके ये पूछ रहे थे। हमारे देश का दुर्भाग्य लखीमपुर कांड सबको पता है, उसके बाद भी किस बीजेपी के नेताओं ने हत्या करी है, किसानों की हत्या करी है ना, इसके ऊपर कोई सुनवाई हो रही है तो इसका मुकदमा भी ना लिख रहे थे हत्या का, तो बिल्कुल सही कहा, साक्ष्य दिए दुनिया भर की वीडियो दे दिए हैं, उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है, उसे बीजेपी वाले बचाना चाह रहे हैं, लेकिन जिस देश के मुख्यमंत्री पर खुद मुकदमे लगे हुए हो तो उसके गृह मंत्री पर लग रहे उनके लिए चाय पिला रहे हैं, उन्हें बुला कर कोतवाली में थाने में बुला के चाय पिला कर उनका सम्मान कर रही है पुलिस। आप इसे सियासी मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा बना हुआ है जी, हमारे किसानों की हत्या हुई है, मेरे किसान भाइयों की हत्या करी बीजेपी वालों ने, आसिफ जी इनके ऊपर भी 302-307 के मुकदमे पर मुकदमा चलना चाहिए, जो भी दोषी हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। आसिफ जी आप उस समय उत्तर नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी के उनके लिए कानून अलग होगा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। आसिफ जी मेरी बात सुनिए जी, आप उस समय उत्तर नहीं, जब वो पूछ रहे थे ना आपसे, आप थोड़ा अगर अध्ययन करते तो उसका उत्तर आपके पास मिल जाता,
समाजवादी पार्टी की सरकार में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक राज्य मंत्री का दर्जा पाए हुए व्यक्ति थे जिन्होंने फोन लाइन में डीएम को धमकाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि तुम लोग सब लोग बालू का लूट मचाए हो। अखिलेश जी ने 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से राज्य मंत्री का पद हटा दिया था। ये अखिलेश जी ने उस समय करने का काम किया था। जेल भेज दिया उन्हें, मुझे पता, जेल भेज दिया। बिल्कुल गायत्री प्रजापति है वो। बिल्कुल आपको लगता है समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर सबको लेकर चलेंगे? मुझे मालूम है भर्ती कितना विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, छोड़िए उस बात को। एसपी असन साहब विकास के नाम पर कितना वोट मांगते हैं सबको पता है, छोड़िए छोड़िए सर। अब नारेबाजी क्यों लगा रहे हो? नारेबाजी क्यों लगा रहे? विषय लखीमपुर कांड है, नारेबाजी लगाने लगते हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के। एक सेकंड रुके ना सर, देखिए आसिफ अली जी का क्या सोच रहा है ये उनका पर्सनल व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को जितने भी मुद्दे हों, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो दलितों का हो, मजदूरों का हो, सारे मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल करने चाहिए। मुद्दे क्या होते हैं ये जरूरी नहीं है, बात यह है कि प्रदेश और देश का विकास कैसे होगा। हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो केवल विकास को लेकर के कि कैसे युवाओं का विकास किया जाएगा, कैसे किसानों का, मजदूरों का, दलितों का विकास किया जाएगा। ये लखीमपुर खीरी की घटना हो या इस विषय को लेकर जिस साजिश का जिक्र किया जा रहा है, उनके पास उनके प्रियंका गांधी की बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष ने जो आवाज उठाई उसकी जीत है। कम से कम देखिए कांग्रेस पार्टी ही प्रियंका गांधी जी ही, बिल्कुल प्रियंका गांधी जी एक ऐसी नेता जी जो सबसे पहले लखीमपुर खीरी के लिए गई, उनको रोका गया, सरकार को दबाव में आना पड़ा। चाहे सपा हो या दूसरा बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, जो वहां किसानों के पास नहीं गए ना उनकी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आवाज दो, दलितों की आवाज दो, मजदूरों की आवाज दो, सबकी आवाज को उठाने का काम किया। सड़क से संसद तक हमने अब तक आवाजें उठाई और आगे भी जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, इनके अधिकार इनको नहीं मिलते, तब तक हम ये आवाज उठाते रहेंगे। प्रियंका गांधी की जीत है, वो ये कह रहे कि प्रियंका गांधी की जीत है, आप लोग घर में थे और प्रियंका गांधी सड़कों पर थी। समस्त देशवासियों की, चाहे वो किसान हो चाहे वो दलित हो, कलेक्ट्रेट कर धरना प्रदर्शन करते हैं, सारी आवाज उठा दी, सबकी आवाज उठा दी। माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ में खुद सड़क पर बैठ गए थे किसानों के ऊपर, लेकिन हमारी आवाज दबाने का काम करता। अब देखो ये बिल पीछे वाले ऑफिस से लाए, पीछे से इन्होंने पास कर दिया, विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी का। आशीष भाई सुना नहीं आपने, भूदेव जी जो कह रहे हैं आप जवाब नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने इस लड़ाई को लड़ा और आज ये सच सामने आ रहा है कि इसके पीछे साजिश थी। अखिलेश यादव घर से बाहर तक नहीं निकले, तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं लखीमपुर कांड को लेकर विपक्षी लड़ाई लड़ा? वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने फ्रंट पर आकर इस लड़ाई को लड़ा। जी लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद वो सड़क पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए अपने आवास के बाहर। उसके बाद समस्त समाजवादी परिवार हर जिले में हर कलेक्ट्रेट पर बैठा, सबने आवाज उठाई है, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़ते हैं। समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब लोगों को साथ लेकर चल रही और सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। भूदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आकाश पंडित आपके पास। जी देखिए तिलक जी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को अगर पीछे ले जाने का काम जो किया है वो बसपा सपा और बीजेपी ने किया है। अगर जहां जरूरत होती है, चाहे कोरोना का समय हो या फिर दलितों के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, या फिर होटलों में जो क्या है व्यापारियों को मारा जा रहा है, किसानों को गाड़ी से कुचला गया है, एक साल हो गया दिल्ली की सीमा पर पड़े हुए, न तो वहां सपा दिखाई दी न बसपा दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के, हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के मुद्दों को उठाने का काम करती है। होमगार्ड को बिठा दिया था इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकल पाए, होमगार्ड बिठा दिया था, बावजूद भी हमने लड़ाई लड़ी और उनके घर तक गए, उनके उनकी जो मैं बोलूं जी आप ही को कह रहा हूं सर, जी आप ही को कह रहा हूं सर।
कोरोना काल में मैं स्वयं गाजियाबाद रहता हूँ, मैं तमाम बस अड्डा, कलेक्ट्रेट, घंटाघर और मेरे जितने भी परिवार हैं जो मैं जानता हूँ, इनके यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सब चीज की व्यवस्था कराई। उसके बाद अपने जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं पूछ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भैया प्रियंका गांधी ने इस लड़ाई को लड़ा, आप लोग घर के अंदर दुब के रहे, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप किस बात पे कहते हैं कि आप लोगों ने कार्ड का मुद्दा उठाया, लखीमपुर कार्ड का मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया। कुछ लिख के लाया क्या समाजवादी पार्टी सड़क पर निकल, कुछ लिख के लाया क्या नियम के कहने से? आजीव अली जी, आजीव अली, कोरोना काल में हम लोग हमने मदद करी है, समाजवादी के लोगों ने मदद करी है, और उसके बाद ऑक्सीजन की सब ऑक्सीजन में हमने खुद व्यवस्था कराई लोगों की, हमारे समाजवादी के लोग। आप कह रहे घर के बाहर हमारे होमगार्ड लगा दिए थे, आप कह रहे कि होमगार्ड लगा दिए थे लखीमपुर घटना की, जिसमें इतना इसका झूठ बोला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आसिफ अली जी सुनिए, ऐसा है कि देखो सत्य कभी छुपता नहीं है, मैंने शुरुआत से कहा, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कोरोना काल का समय हो, या जितने भी प्रकार के, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, सड़क से लेकर के संसद तक, आज पूरे देश में अगर कोई पार्टी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है बिना डरे हुए, तो वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आवाज उठा रहे हैं बिना डरे हुए, वरना सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी, साहब मान गए तो बस बात ही खत्म, धमका करके अपने घर में बात को मान गए हमारे घर के बाहर होम गार्ड लगा दी थे। प्रियंका गांधी, ओके आपको मिल गया क्रेडिट, ओके ओके। आशिफ अली मान गए इस बात को, आशिफ अली मान गए इस बात को, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वो लिख के लाए थे कुछ और, पढ़ कुछ और रहे हैं। थैंक यू, ओके। एक सेकंड, आकाश पंडित आपने सुना, वो कहते हैं कि अगर क्रेडिट की बात है तो प्रियंका गांधी ने लड़ाई को लड़ा है, मुझे तो लगा कि किसान लड़े थे। हमारे पूर्वज एक कहावत कह गए हैं, तिलक जी अगर याद हो, कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। अगर आज भारतीय किसान यूनियन परिवार ने इस देश में ये जैसे ही बिल आया, तीनों काले कानून आए, इन्होंने कोविड के दौरान आपत्ति का समय जब देश में चल रहा था, जब लोग अपनी यथास्थिति पर नहीं थे, इन लोगों ने बिल्कुल तानाशाही रवैये के अंतर्गत कोविड के दौरान बिल को ले आए। नहीं आकाश पंडित, मैं चाहूंगा कि आप जो है लखीमपुर कांड पर ही आइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि लखीमपुर कांड में जो भूदेव जी कह रहे हैं कि इस लड़ाई को राजनीतिक नजरिए से प्रियंका गांधी नहीं लड़ा, हमारा पूरा सहयोग किया, जिसमें कांग्रेस भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने भी, जैसे मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा, वहां पर कांग्रेस के जितने भी जन थे उन्होंने लगातार हम लोगों के साथ आंदोलनों में सहयोग किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके इन बंद का कहीं आयोजन में हम लोगों के साथ रहे और विभिन्न आयोजनों में साथ रहे। मैं सभी विपक्षी दलों का आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। केवल जो 10 वार्ता हुई, किसान वार्ता जब भी 10 वार्ता हुई, उस 10 वार्ता में जो केवल एक ही बात कहते रहे, इन बिलों में क्या काला है, तो हम बताने की कोशिश करते थे तो कोई सुनने को तैयार नहीं था वहां पर। और लखीमपुर जो आप कह रहे हैं कि डिबेट, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा था कि आज जो विषय वो लखीमपुर के विषय पे हम लोग बात करने आए हैं, अगर ये बिल नहीं आए होते तो आज लखीमपुर वाला कांड हुआ ही नहीं होता। आज कहीं ना कहीं आज देश में जो 700 लोग चले गए, जिसमें कहीं ना कहीं लखीमपुर के परिवार के लोग भी थे, इस पूरी इतने लोगों की हत्या का, इन लोगों की मृत्यु का सीधा जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन लोगों ने मिल करके, आज जब एक वर्ष गुजर गया, जो लोगों ने ठंडी गर्मी बरसात और परिवार के इतने लोग जब गोलोकवासी हो गए, हम लोगों के बीच नहीं है, तब जाकर साल में कितनी समस्याएं झेली, कितने लोगों के ऊपर तुमने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, किसी लोगों के ऊपर मुकदमे लिख दिया, कितने लोगों का तुमने परिवार प्रभावित करा दिया,
उसके बाद जाकर के तुमने अपने अड़ियल रवैया, अपना तानिशाही रवैया, अपना अलोकतांत्रिक तरीके को अख्तियार करके तुम लोगों ने देश को अकांश पंडित साजिश रची गई है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बार बार। लेकिन मसला यहाँ पर न्याय व्यवस्था को लेकर है, न्याय प्रक्रिया को लेकर है। दोनों पक्षों की तरफ से गई। जब तक हमको न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, चूंकि मामले की तरह न्यायालय की देखरेख में है, तो किसी प्रकार ये गड़बड़ कर नहीं पाएंगे। अगर न्यायालय के संज्ञान में प्रकरण नहीं होता तो ये पूर्णतया फिर से वो कर देते। बुधेश्वर राव, आपको लगता है कि आपको अभाव होगा? फिर उसके बाद में एक राजनीतिक बयान सुना रहा हूं। इस मामले को इतनी तेजी से उस समय सभी लोग जो वहां पहुंचे, सामाजिक तौर पर एक सामाजिक दबाव बना। आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए अभी भी न्याय सही दिशा में, न्याय जांच जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आकाश पंडित, एक सेकंड। भूदेव शर्मा, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो रही है, लेकिन एक ऐसे पद पर जहां पूरी पुलिस इनके अंडर में है, ये देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस जांच को प्रभावित करेंगे। उनके खिलाफ भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, आज तक उनसे कोई जांच नहीं हुई। आप ये देखिए कि कोर्ट में, आप ये देखिए, देखिए SIT की जांच से पहले आप ये देखिए कि पुलिस के द्वारा उनकी, उनके पुत्र की कितनी आवभगत की जा रही थी, उनको पकड़ने। आप ये कह रहे हैं कि उनके पद पर रहते हुए जांच में न्याय की उम्मीद नहीं है, तो फिर यही तो SIT बता रही है कि साजिश हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी इन पर उम्मीद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की SIT पे, उत्तर प्रदेश सरकार की SIT पे भरोसा नहीं था। तो ये तो न्यायिक आयोग तो सुप्रीम कोर्ट ने, वो SIT नहीं है ना, न्यायिक आयोग तो सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। अब आपको कोर्ट पे भी यकीन नहीं है, सरकार पर भी यकीन नहीं है, जांच पर भी यकीन नहीं है, अब क्या राहुल गांधी से जांच बिठवा दे क्या? पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही न्याय दिलाएगा। इस देश के लोगों का जो भरोसा है संविधान पर, इस कानून पर, वो बना रहेगा। बिल्कुल। ओके। मैं जरा कुछ बयान सुनाना चाहूंगा, कुछ राजनीतिक बयान इस पूरे मसले को लेकर आए। प्लीज, मैं आपके सहयोगी से चाहूंगा, जरा प्ले करिए। मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया, प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी थी, उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए, सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई यह है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। लखीमपुर का जो मुद्दा है वो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे ना? पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो, हमारे दो, उठाने नहीं देंगे। चार लोग उठाने नहीं देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा। नहीं कैसे होगा, इसका क्या मतलब है? यहाँ मसला सीधे तौर पर, यहाँ एक प्रश्न और अब खड़ा होता है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। आजीफ अली जी, मैं चाहूंगा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे आप अपने मंच पे लगाइएगा। मैं जिस प्रश्न को उठाना चाह रहा हूं, आप उस प्रश्न पे आइए। मैं ये चाहता हूं कि क्या अब इस पूरे विषय पर, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए इस पूरे मसले पर न्याय की उम्मीद बेमानी है, लेकिन क्या अगर इस पूरे मसले पर साजिश का जिक्र खुद जांच के IO कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं, तो क्या सवाल यहां से एक और खड़ा होता है कि गृह राज्य मंत्री की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या रही, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? जिस भूमिका का जिक्र किया जा रहा है, अगर ये साजिश रची गई तो इस साजिश में भी कोई भूमिका
गृह राज्य मंत्री की भी कोई भूमिका थी या फिर नहीं? क्या यह प्रश्न यहां पर नहीं खड़ा होता आकाश पंडित? पहले तो राहुल गांधी जी ने जो अभी अभी बयान दिया, बहुत बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने। दूसरी चीज, मुझको पूर्ण फिर से आपकी बात को मैं कोट करते हुए कहता हूं कि जैसे ही ये बात उन्होंने न्यायालय में रखी है, न्यायालय और न्यायालय की व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय के द्वारा फिर से कोई ऐसा विधिक कदम उठाया जाएगा जिसके कारण ये व्यक्ति इस जांच को किसी प्रकार प्रभावित नहीं कर पाएगा। और मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं कि आपके मंच के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अजय मिश्रा टोनी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से, अगर 1% उनके आंखों में पानी बचा है, शर्म बची हुई है, तो तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बातें, पूरा देश चिल्ला रहा और आपकी आंखों का पानी मर चुका। आकाश पंडित, नहीं नहीं नहीं, वो तो बीजेपी नेता साफ कर गया ना आपके सामने कि भाई इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब यहां से ये सवाल नहीं खड़ा होता भूदेव शर्मा कि इस पूरे प्रकरण में अगर साजिश थी तो फिर इस साजिश के भीतर गृह राज्य मंत्री की भूमिका क्या थी या फिर नहीं भी थी? हाँ, बिल्कुल तिलक जी, बिल्कुल तिलक जी, देखिए ऐसा है कि 4 दिन पहले ही गृह राज्य मंत्री ये खुले तौर पर सबके सामने धमकी दे चुके हैं कि मैं केवल एक MP नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं। उसके बाद जब किसानों को वो अंगूठा दिखा करके भी वो ये दिखा चुके हैं, मैं भी न्यूज में देख रहा हूं, तो इससे सीधे तौर पर ये पता चलता है कि किसकी भूमिका है। ये आप ये देखिए कि जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई तो वही गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि अगर मेरे पुत्र होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो निश्चित तौर पर इसमें गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व है, एक जो साजिश रची गई है उसके ये हिस्सा है। कहां से इस साजिश की शुरुआत हुई और कहां किस प्रकार इसको अंजाम दिया गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि गृह राज्य मंत्री इसमें शामिल है। आशिफ अली, आशिफ अली बोलिए। सर क्या मुझे माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, इंसाफ होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उसमें गृह राज्य मंत्री हो या उनका पुत्र हो, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आकांक्ष पंडित, मसला SIT के उन चश्मदीदों का भी है जिनके 164 पे बयान भी दर्ज नहीं हुए, और ऐसी स्थिति में अब न्याय व्यवस्था से उम्मीद की किरण की आप बात कर रहे हैं और इसमें अब राजनीति भी होगी, इससे खुद को कैसे अलग कर पाएंगे? इस देश में अभी कुछ दिन पहले ही आपने विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखी, और उसी कड़ी पर एक सीधी बात यह है कि ये अपने तरीके से तो पूर्ण तरीके से ये जांच को प्रभावित करने का कार्य करेंगे, लेकिन इस देश की न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर हमको पूर्ण भरोसा है। आप लोगों के कंधे का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसका फिक्र आपको होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद को इससे अलग कैसे रख पाएंगे, एक तरफ लखीमपुर कांड में न्याय की बात है और दूसरी तरफ आप लोगों के राजनीतिक कंधे का राजनीतिक इस्तेमाल है। जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति खत्म होता है ना, इसको मैं नहीं जानता कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझको नहीं पता। आपको नहीं मालूम। खत्म होता है उस परिवार का व्यक्ति केवल एक चीज चाहता है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। आज परिवार के जो लोग खत्म हुए, उन न्याय की लड़ाई अगर भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन के दौरान अगर लखीमपुर कांड में अगर हमारे किसान साथियों के ऊपर किसी ने आताताई ने अगर गाड़ी चढ़ाने का कार्य किया है, तो उस गाड़ी चढ़ाने को लेकर के हम पूरी आंदोलन रद्द हो करके, हमने पूर्व में भी कहा था, अगर हमको ये महसूस होगा कि किसी प्रकार से जांच को प्रभावित कराया जा रहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा, तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ी तो पुनः फिर एक आंदोलन लखीमपुर के लिए प्रारंभ किया जाएगा। आपको लगता है उद्देश्य
आपको लगता है हृदय शर्मा ऐसा होना चाहिए कि लखनपुर कांड को लेकर एक आंदोलन हो जाए, जिसका जिक्र यहाँ पर आकाश पंडित कर रहे हैं? हृदय शर्मा ये तिलक जी, इस देश में किसी के भी साथ अगर अन्याय होता है तो विपक्ष का काम है उसकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाना। और आज मैं तो एक युवा होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हम अगर किसी व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होंगे, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप याद रखिए कि अगला नंबर आपका होगा। जब आपके साथ अन्याय होगा तो आप केवल सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके डालिए, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप ये मत कहिए कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, आप ये कहिए कि क्या किसानों के साथ इस देश का युवा प्रत्येक नागरिक खड़ा है कि नहीं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको गाड़ी से कुचला गया है। किसान ही नहीं, यहाँ पे अगर मजदूर भी होते, कोई और भी होता, दलित भी होता, कोई भी होता एक्स वाई जेड, जो इस तानाशाही सत्ता के द्वारा कुचला जाता, गाड़ियों से कुचला जाता, तो उसके साथ मैं कहता हूं कि पूरे विपक्ष को एक होकर के उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। विपक्ष ही नहीं, देश के सभी लोगों को उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। धन्यवाद। उदय शर्मा, मुझे नहीं मालूम कि आप किस संदर्भ में अपनी बात को रख रहे थे, मेरा परिप्रेक्ष्य कुछ अलग था। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के मसले पर बैठकर मैं राजपाट के नाम पर आप लोगों को टकरा दूं, लड़ा दूं, भिड़ा दूं, तो वो काम मुझे नहीं आता। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप मेरी टाइमलाइन पर जाएंगे तो आज से एक साल पहले और डेढ़ साल पहले के मेरे तमाम एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मैंने शुरुआत जब इस आंदोलन की हुई थी तब मैंने एक जिक्र किया था, और उस बात का फिक्र मुझे भी था। मैंने तब भी यह जिक्र किया था और आज भी यह जिक्र करता हूं कि मेरा देश का किसान जो है और जवान जो है, जहां पर बॉर्डर पर जब किसान और जवान खड़े हुए तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये किसान का बेटा जवान है। मैंने तब भी यह बात कही थी, आकाश पंडित को कहा था कि आपका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, इसका राजनीतिक मंच पर किसी नुमाइंदे को मत जाइएगा। और मैं आज भी बोल रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि देश में अगर राजनीति करनी है तो किसानी के मुद्दे पर करिए। किसानी के मुद्दे पर देश की राजनीति होगी तो देश का कल्याण तभी होगा। राजनीति इसे ही कहते हैं, राजनीति कोई गलत शब्द नहीं है, इसे आप अन्यथा मत कीजिए। मैं राजनीतिक कंधे का इस्तेमाल इसलिए कह रहा था कि उस आंदोलन की पवित्रता बनी रहे, जिस पवित्रता की वजह से यह आंदोलन की जीत हुई है। भूदेव शर्मा, मैंने इसलिए जिक्र किया था। तू आपकी सारी डिबेट को भी मैंने देखा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत होता है तो उनके साथ दूसरे लोगों को भी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहना चाहिए। आज पत्रकारों के साथ भी अगर गलत होता है तो दूसरे पत्रकारों को ही नहीं, देश के उन सभी लोगों को साथ में खड़े रहना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के हो या एक साधारण नागरिक हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। तिलक जी, आकाश पंडित जल्दी, वक्त खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि करने वाले से अपराध सहने वाला ज्यादा दोषी है। तो अगर हम किसी के साथ, हमारे परिवार के सदस्य के साथ किसी प्रकार का कोई आतताई व्यक्ति उनके साथ अवैध एक्टिविटी करने का कार्य करेगा, इस लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे और उस आतताई व्यक्ति को संवैधानिक दायरे में रहते हुए उसको सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। आकाश पंडित, थैंक यू सो मच। भूदेव शर्मा जी, आसिफ अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज कोशिश हमने की कि बीजेपी नेता इस पूरे मसले को लेकर पक्ष रखें, तमाम नेताओं ने इस चर्चा में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन मुद्दा आपका जारी रहेगा, भले ही वो खबरें अखबारों की सुर्खियां, गुलाबी अखबारों की सुर्खियां और न्यूज चैनल की हेडलाइंस ना बने, लेकिन जो खबर है, जो सच है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हम निभाएंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर आपको भड़काएंगे नहीं, लड़ाएंगे नहीं, अफीम चरस को लेकर भ्रम नहीं फैलाएंगे जो तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रहा है इस वक्त। हिंदू मुसलमान नहीं करवाएंगे हम, आप ही के मुद्दे आपके बीच में लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।